नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बहुत ही लर्निंग और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे शेयर की जिसने अभी तक लोगों को लगभग 1600% का रिटर्न दे दिया है। एक महीने में उस शेयर ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 30% के आसपास का रिटर्न दिया है, और वो कॉन्टीन्यूसली वो शेयर एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाता जा रहा है। ये शेयर कौन सा है इसकी भी चर्चा करेंगे, इसके चार्ट की एनालिसिस भी करेंगे, साथ में इसके फंडामेंटल की भी बात हम लोग करेंगे। हमने इस जो शेयर है इसका नाम है आर वी एन एल का जो शेयर है इसका मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। आप लोगों ने उस वीडियो में हमें बड़ा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा था। तब से ये शेयर की जो ग्रोथ है वो 40% के आसपास की हो चुकी है, और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली ये शेयर अभी एक हायर हाई पैटर्न बना ही रहा है। तो अगर हम लोग बात करें आर वी एन एल में ऐसा क्या चल रहा है, आर वी एन एल के साथ क्या है ऐसा कि कॉन्टीन्यूसली इन्वेस्टर्स का बड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है, और चीज़ें किस तरह से आर वी एन एल में हो रही हैं, तो हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे आर वी एन का ओवरव्यू। तो आर वी एन एल के ओवरव्यू में आप देख सकते हैं ये जो डेली रिटर्न है, डेली रिटर्न कितना दिख रहा है, एक दिन में ये 7.54% के आसपास की एक दिन में इसने ग्रोथ दिखाई है ना। इसमें मुझे नहीं आइडिया है कि सर्किट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर हम लोग वीकली रिटर्न की बात करें तो 20% के आसपास इसने वीकली रिटर्न दिया है। अगर एक महीने के रिटर्न की बात करें तो 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो भाई साहब एक साल में 222% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत बेहतरीन रिटर्न है किसी भी स्टॉक के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। 5 साल की बात करें तो इसने लगभग 1161 रुपये के आसपास का रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम की बात करें तो लगभग इसने इतना ही 1161 के आसपास का रिटर्न दिया है। अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि होल्डिंग किस तरह से है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कॉन्टीन्यूसली होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। जब 22 दिसंबर के आसपास म्यूचुअल फंड ने जब होल्डिंग बढ़ा रहे थे तभी से ये शेयर चलना स्टार्ट हुआ था 2022 में, मतलब कि एक साल पहले, आज से लगभग 2024 चल रहा है तो 2023 और दिसंबर का मंथ है, तो लगभग 2022 के आखिरी से ही इसमें होल्डिंग जो है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ाई जा रही थी म्यूचुअल फंड के द्वारा। बात करें आर बी एन एल के, तो यहाँ पर मैंने आर बी एन एल लगाया हुआ है चार्ट पे। इस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे और चार्ट देखने की कोशिश करेंगे कि आर बी एन एल में आखिर चल क्या रहा है, क्या कोई एंट्री पॉइंट बन रहा है हमारा। देखिए एंट्री पॉइंट तो बहुत सारे इसमें बने हुए हैं, कई लेवल आए हैं जहाँ पर ब्रेकआउट आया है। एक यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें कि जो ब्रेकआउट आया है लगभग 205 रुपये के आसपास का ब्रेकआउट है, 244 अभी ट्रेड कर रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम पर देखें, यहाँ पर जैसे वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत सारे ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पर हम इसमें जो है एंट्री बना सकते थे। इस लेवल का ब्रेकआउट 81 के आसपास का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पे है 143 रुपीज़ के आसपास है। ये रिसेंट ब्रेकआउट है जो कि 200 रुपये के आसपास का है, और शेयर ट्रेड कर रहा है 240 रुपये के आसपास। तो आर बी एन एल में बहुत सारे इस तरह के मौके हमें दिए, कई बार ऐसे मौके दिए जब हम आर बी एन एल को बाय कर सकते थे, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते थे। लेकिन जिन लोगों ने बनाया होगा निश्चित तौर पर उन्हें एक अच्छे रिटर्न मिले हैं इस शेयर के अंदर, और अभी ये शेयर जो है ना अपने टॉप पे है। तो कभी भी कोई भी शेयर हम टॉप पे बाय नहीं करना चाहिए ऐसा माना जाता है, तो आप थोड़ा सा इसको वेट करिएगा। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसको कहीं ना कहीं रुकने का वेट करिए। 198 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है इसमें, है ना। तो अगर आपको ये सपोर्ट में मिल जाए या कंटिन्यूअसली अगर ये ब्रेकआउट देकर निकल जाए तो फिर इसको आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इस लेवल पर किसी शेयर का बढ़ना इतनी तेज़ी से होता है, इस तरह के ये शेयर उतनी तेज़ी से नीचे गिर जाते हैं। तो आपको ये वीडियो और ये एनालिसिस कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर हमें बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।